सो वेलकम एवरीबॉडी, और ये वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि ये पूरी वीडियो नहीं, ये पूरी सीरीज होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑयल पेस्टल से आपको पेंटिंग कैसे करनी है, और ऑयल पेस्टल पेंटिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे हम ब्लेंडिंग करते हैं, और कौन कौन से कलर्स होते हैं, और कितने तरीके की टेक्निक्स होती हैं, और इसमें हम जीरो से लेके हम प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं। तो ये सीरीज बहुत बड़ी होने वाली है, एक बाय एक करके वीडियोस आने वाली है। तो ये सीरीज की वीडियो नंबर 1 है। बहुत मुझे कमेंट्स आ रहे थे, इसमें ये बोला जा रहा था कि सर कुछ बनाकर दिखाइए या फिर सर कुछ सिखाइए, तो अब वो चीज स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपका इंतजार खत्म हो गया है। अभी बहुत सारी वीडियोस आना बाकी है, एडिटिंग फेज में है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर रखी है, चाहे वो ऑयल पेंटिंग पे हो, पोस्टर कलर पे हो, चारकोल पेंटिंग पे हो, स्केचिंग पे हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ऑयल पेस्टल की वीडियो नंबर 1 होने वाली है सीरीज की। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑयल पेस्टल पेंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मतलब कौन से कलर्स लें, किस टाइप का पेपर लें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखो, ऑयल पेस्टल जो एक टेक्निक है, जो आर्ट है, मतलब ऑयल पेस्टल जो आर्ट है, वो सारा ना ब्लेंडिंग का खेल है। ऑयल पेस्टल्स बड़े ही मस्त तरीके से कलर को ब्लेंड करते हैं, मतलब इसमें बहुत मस्त तरीके से कलर ब्लेंड होता है। तो ये पूरी जो कहानी है ना ऑयल पेस्टल की, ये ब्लेंडिंग के इर्द गिर्द घूमती है। इतना आपने समझ लिया ना, तो मतलब आप ऑयल पेस्टल को समझने लग गए हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये मैं इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है, इसमें मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर रहा हूं, बल्कि अब एक्चुअल आपको दिखा रहा हूं चीज़ें, ठीक है। और रेगुलर इस वीडियो में सीरीज, मतलब इस सीरीज में वीडियोस जुड़ती जाएंगी, जिसमें मैं आपको एक्चुअल ड्राइंग करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा, और इवन आप मेरे साथ ड्राइंग कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम उस वीडियो को देख देख कर सीख सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सब स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना जरूर, मतलब जरूर करना, भूलना मत, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपकी डिमांड पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च करके अब ये सारी वीडियोज मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ऑयल पेस्टल पेंटिंग करने के लिए, ऑयल पेस्टल पेंटिंग बड़ी सुंदर सुंदर आर्ट बनाते हैं लोग, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो मुझे लगा कि अगर कोई इंसान सीखने जाए बाहर तो खामखा उसको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और इस वजह से काफी लोग सीख नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को फ्री में कोर्स दे दिया जाए यूट्यूब पे, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं वैसे ही पेंटिंग करता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को सिखा दूंगा तो उसका भला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आपको, मतलब एक रुपए तक चार्ज नहीं करूंगा इसका, ठीक है। तो देखो, ऑयल पेस्टल पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले आप पेस्टल कह लीजिए, पेस्टल कह लीजिए, मैं तो खैर पेस्टल ही कहता हूँ, आपके पास ऑयल पेस्टल होने चाहिए। अब वो किस कंपनी के लिए, देखो मैं आपको खैर प्राइसेस भी रिवील करूंगा हर चीज़ के। देखो, मैं नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में आप एज अ बिगिनर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी टेक्निक को बिल्ड करो, इस आर्ट फॉर्म को पहले समझो। तो आप किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप कैमल के 15 शेड्स यूज़ कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। देखो, मैंने आई बटन में इसका वो भी दे रखा है, लिंक भी दे रखा है। इसके अलावा कैमल के ये 25 शेड्स भी आते हैं, ये आप ये भी खरीद सकते हैं मार्केट से। ये इसका जो प्राइस था वैसे 100 रुपीस का है, लेकिन कोई भी आपको 90 रुपीस का दे देगा ये, ठीक है। इसके अलावा जो 15 शेड्स वाले थे, ये आपको 55 रुपीस के मिल जाएंगे, और जो इसी में 24 शेड्स आते हैं वो भी आपको 150 या 160 रुपीस तक का पैकेट मिल जाएगा आपको। उसके अलावा अगर आप और भी ज़्यादा चीज़ें लेना, और भी कंपनी को ट्राई करना चाहते हो, तो फेबर कैसल भी है। इसके अलावा जो डॉम्स है, देखो एकदम ब्रांड न्यू पैकेट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं एकदम ब्रांड न्यू यूज़ करूँ, मतलब आपको दिखाने के लिए हर चीज़ को ब्रांड न्यू यूज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें ब्रांड न्यू है, तो एक बार इसकी पैकेजिंग हम खोल लेते हैं। देखो डॉम्स के कैसे होते हैं, ये 50 शेड्स हैं, ठीक है, ये 50 शेड्स हैं, मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। और ये जो पूरा जो ये पड़ेगा आपको, वैसे तो इसका MRP दे रखा है 220 रुपीज़, बट आपको ये 200 रुपीज़ का मिल जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ 200 रुपीज़ का मिला है। तो ये रे शेड्स इसके अंदर, क्योंकि देखो ऑयल पेस्टल की जर्नी काफ़ी लंबी है, तो इसमें आपको डिफरेंट शेड्स चाहिए होंगे और काफ़ी कलर्स लगेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी पेंटिंग कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, कितनी आर्ट फॉर्म बना रहे हैं, तो डिफरेंट शेड्स। इसमें टोटल 50 शेड्स हैं, इसमें 15 है, इसमें 25 है, कैमलिन में भी आते हैं 24 शेड्स भी आते हैं, 36 शेड्स भी आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड भी है, बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, एज अ बिगिनर देख रहे हैं, तो हम सिर्फ चीप ब्रांड से ही स्टार्ट करेंगे, जो आप इजिली अफोर्ड कर पाओ और ज़्यादा आपको खरीदने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये 50 शेड्स हैं, ये 15 है, ये 25 है, ठीक है। तो ऑयल पेस्टल पेंटिंग करनी है तो आपके पास ऑयल पेस्टल होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ साइड, ठीक है। ये डॉम्स कंपनी के हैं, ये कैमल के हैं, ये भी कैमल के हैं, तो करते हैं साइड। अब ऑयल पेस्टल कलर के बारे में बात हो गई, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ड्राइंग करोगे कहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है,
कि उसके लिए हमें पेपर्स की जरूरत है, तो क्या ऑयल पेस्टल के लिए भी डिफरेंट पेपर आता है? आता है, बिल्कुल डिफरेंट पेपर आता है, बहुत तरह तरह के पेपर आते हैं, लेकिन डिफरेंट पेपर क्यों यूज करते हैं हम? देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑयल पेस्टल जो है वो पूरा ना ब्लेंडिंग का खेल है, तो जितनी स्मूथ सरफेस आपकी रहेगी उतना इजीली आप कलर को ब्लेंड कर पाओगे। अब ब्लेंड करने के भी बहुत तरीके होते हैं, आप हाथ से भी कर सकते हो, टिश्यू से भी कर सकते हो, कॉटन स्वैब से भी कर सकते हो। इसके अलावा दो तीन तरीके और हैं, वो मैं अभी बहुत जल्दी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होगी, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो बता रहा हूं और ये सीरीज की पहली वीडियो है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको दिखा दिया है, तो अब डिपेंड करता है कि पेपर कौन से यूज करें हम। देखो, पेपर बहुत टाइप के होते हैं। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे जो कार्टर शीट वाले ड्राइंग पैड आती है, कि हम उस पर ऑयल पेस्टल पेंटिंग कर सकते हो? जो कार्टर शीट होती है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, चाहे वो थिन पेपर की हो या फिर मोटे जीएसएम की हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। क्योंकि एज अ बिगिनर अगर भी सीख रहे हो तो आप ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लेने की कोशिश मत करना, मैं तो ये सजेशन दूंगा आपको। तो पेपर दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वैसे तो ये शीट है, ठीक है, ये 300 ये A4 शीट्स हैं, ठीक है। वैसे तो ये जो शीट्स हैं कैलीग्राफी एंड मतलब एक्रेलिक पेंटिंग के लिए यूज होती है, इसको हम टेक्सचर शीट्स कहते हैं। तो क्या आप इस पे ऑयल पेस्टल पेंटिंग कर सकते हो? देखो, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप कर सकते हो। देखो, ऑयल पेस्टल पेंटिंग की सरफेस स्मूथ रहनी चाहिए, तो टेक्सचर्ड शीट अगर ज्यादा टेक्सचर्ड नहीं है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा टेक्सचर्ड है तो आप मत करना। अब टेक्सचर्ड शीट से मेरा क्या मतलब आता है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में ये टेक्सचर्ड शीट्स के बारे में मैं काफी बात करूंगा, जब मैं वाटर कलर पेंटिंग पे जाऊंगा या फिर कैलीग्राफी पे जाऊंगा। देखो, इस पे हल्के हल्के से ना डॉट 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 होते हैं, ठीक है, मतलब स्मूथ पेपर नहीं होता है, डॉट 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 होते हैं। तो आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेक्सचर्ड ना हो, वरना आपका कलर सही तरीके से ब्लेंड नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा ना पेस्टल पेपर भी आता है। अब पेस्टल पेपर क्या होता है ये मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि हर वीडियो में अगर हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है। पेस्टल पेपर आता है, देन पेस्टल बोर्ड भी आता है, ये भी एक टाइप का पेपर होता है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप पेस्टल कलर की पेंटिंग और भी करना चाहते हो, ऐसे आइवरी पेपर आता है, ठीक है, ये आइवरी पेपर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये A4 शीट होती है, ये आपका है 210 GSM का पेपर होता है, तो आप इससे भी अपनी ऑयल पेस्टल कलर पेंटिंग कर सकते हो। ये इंडिविजुअल लूज शीट्स होती हैं, जिसमें आप अपने मास्टरपीसेस क्रिएट कर सकते हो, तो ये ऐसा पेपर होता है कुछ, ठीक है। तो आइवरी शीट्स भी आप यूज कर सकते हो। अभी सबके प्राइसेस भी मैं रिवील करूंगा, अभी सिर्फ समझ लो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, मैं आपको प्राइसेस भी सारे रिवील करूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो आप कहोगे कि जो मार्केट में ड्राइंग पैड्स मिलते हैं अलग 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 रेट के अलग अलग साइजेस के, क्या हम वो यूज कर सकते हैं? कर सकते हो। देखो, कुछ इस तरीके से ये होते हैं, ये अलग अलग ड्राइंग पैड है। देखो, ये है आपका डेल्टा का ड्राइंग पैड है, जो थिन शीट में स्मूथ सरफेस है। काफी लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते, बट मेरे एक्सपीरियंस से आप इस पे ऑयल पेस्टल स्विच कर सकते हो, एज अ बिगिनर हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी टेक्निक लर्न करनी है। तो ये काफी थिन होते हैं पेपर इसके, लेकिन स्मूथ सरफेस होती है, तो इजिली आप इस पे कलर को ब्लेंड कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, इसी का डेल्टा कंपनी का है, ये थोड़ी मोटी कार्टर शीट है, इस पे स्मूथ सरफेस है, इजिली ब्लेंड कर सकते हो। देन आपके क्लासमेट की हो गई, ये भी अच्छा पेपर है, इस पे बहुत इजिली आपका मक्खन की तरह चलेगा, जो आपका ऑयल पेस्टल होता है ना, इजिली ब्लेंड कर सकते हो। तो आप इस तरीके की फाइल परचेज कर सकते हो, ठीक है। अभी रेट मैं रिवील करूंगा, प्राइसेस रिवील करूंगा, मैं दिखा बहुत सारी चीजें रहा हूँ। अब ब्लेंडिंग करने के लिए देखो, हम फिंगर से ब्लेंडिंग कर सकते हैं, फिंगर सबसे नेचुरल चीज है। इसके अलावा काफी लोग कहते हैं कि हमें एलर्जी है, हम फिंगर यूज नहीं करना चाहते और भी डिफरेंट टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप टिश्यूज यूज कर सकते हो। तो ऐसा टिश्यू पेपर का पैकेट ले लेना, 20 या 25 रुपीज का आएगा, तो आप टिश्यू पेपर से भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। और काफी लोग टिश्यू पेपर से ब्लेंड करने का यूज करते हैं, पर टिश्यू पेपर से नुकसान क्या होता है? कई बार टिश्यू पेपर से ब्लेंड करने के चक्कर में आपका ज्यादातर ऑयल पेस्टल ना वो आपके टिश्यू पे लग जाता है, लेकिन ये कुछ केसेस में होता है, ठीक है, वो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। तो टिश्यू पेपर का एक पैकेट ले लेना। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉटन स्वैब भी इस्तेमाल करते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए, ठीक है, कॉटन स्वैब का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी 15-20 रुपीज की आ जाएगी, तो आप ये जरूर ले लेना अगर आप ऑयल पेस्टल पेंटिंग करना चाह रहे हो तो। इसके अलावा इवन आप बेबी ऑयल भी यूज कर सकते हो ऑयल पेस्टल को पेंट करने के, मतलब उस पर ब्लेंड करने के लिए। बेबी ऑयल वो जब मैं आपको करके दिखाऊंगा थर्ड या फोर्थ वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आप लिंसिड ऑयल का भी यूज कर सकते हो अपने कलर्स को ब्लेंड करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ऑयल पेंटिंग के साथ साथ आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लिंसिड ऑयल को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
सो आई थिंक ऑयल पेस्टल में मैंने सब कुछ जो बहुत बेसिक चीज़ें, हाँ एक चीज़ और रह गई। कई बार क्या होता है कि हमारा जो ऑयल पेस्टल होता है हम उसको फैलने देना नहीं चाहते, मतलब कि हमने ड्राइंग तो कर ली लेकिन अब उसको हमें संभाल के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है ऑयल पेस्टल से कलर निकलने लग जाते हैं या फिर कहीं पर भी कोई कलर लग गया, तो उसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए एक सोल्यूशन आता है जिसको हम कहते हैं फिक्सेटिव। अब ये फिक्सेटिव को हम यूज़ कर सकते हैं पेस्टल पे, चारकोल पे, पेंसिल एंड चॉक ड्राइंग्स पे, इवन हम सॉफ्ट पेस्टल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको स्प्रे करना होता है, ठीक है, और एक या दो मिनट में ये सूख जाता है, देन उस कलर को वहीं पे लॉक कर देता है और वो कलर छूटता नहीं है। तो ऐसे हम सालों साल अपनी ड्राइंग्स को, अपने क्रिएशंस को सेव कर सकते हैं। तो ये होता है फिक्सेटिव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं फर्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, सेकंड थर्ड वीडियो में मैं एक्चुअल में सिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को कंप्लेंट थी कि भैया सिखाओगे कब, तो वो सिखाने की चीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है। अब आते हैं प्राइसेस में। देखो ऐसी आपको जो छोटी मोटी ड्राइंग बुक है ये तो आपको 20-25 रुपीस की मिल जाएगी। क्लासमेट पे अगर जा रहे हो तो ये आपको 70 रुपीस का पैकेट मिलेगा पूरा, ठीक है। और अगर ऐसे डेल्टा पे आप जा रहे हो तो ये आपको मिल जाएगी समथिंग अराउंड 35 या 40 रुपीस की। एमआरपी पे ये चीज़ें नहीं मिलती है, थोड़ा कम ही मिलती है। अगर फिक्सेटिव देखो तो फिक्सेटिव का जो एमआरपी है 300 है, बट ये आपको 280 रुपीस का अवेलेबल हो जाएगा कहीं से भी। कॉटन स्वैप तो 15-20 रुपए की कहीं से भी मिल जाएगी, ये भी टिश्यू 20-25 रुपए के मिल जाएंगे। आइवरी शीट का जो प्राइस है वो 110 रुपीस का है, बट आपको कोई भी शॉपकीपर ये 90 रुपीस का दे देगा, ठीक है। अब ये कैंसन शीट्स के बारे में बात करें, जो टेक्सचर शीट्स है तो इसका जो एमआरपी है वो 200 है, बट ये आपको कहीं पर भी 180 रुपीस का अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कलर्स के बारे में बात करें तो कैमल के 25 शीट्स 100 रुपीस का पैकेट है, ये आपको कोई भी 90 रुपीस का दे देगा। 15 शीट्स के बारे में बात करें कैमल का, तो ये 55 का था, तो आराम से आपको 50 रुपीस या 45 रुपीस का मिल जाएगा। डॉम्स के ऑयल पेस्टल के बारे में बात करें तो ये जो पूरा पैकेट था 220 रुपीस का था, ये आपको 200 रुपीस का मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सब खरीदने की ज़रूरत है आपको, तो मैं कहूँगा नहीं, सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो कि ऑयल पेस्टल पेंटिंग के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। धीरे धीरे अपने आपको अपग्रेड करना, सब कुछ एकदम से खरीद कर मत लेना, लेकिन हाँ अगर आपका बजट है तो आप खरीद सकते हो, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बहुत कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और मैं सिर्फ आपसे सब्सक्रिप्शन ही मांग रहा हूँ और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ही मांग रहा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारे ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, टाइम एंड मनी दोनों इन्वेस्ट होता है इस पर, ठीक है। तो सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक पैकेट खरीद लाओ ऑयल पेस्टल का और एक नॉर्मल सी ड्राइंग बुक खरीद लाओ। सबसे पहले अपनी टेक्निक बिल्ड करो, क्योंकि टेक्निक मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखा रहा हूँ, सबसे पहले वो बिल्ड करो, देन हम जाएंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आएंगे। और आप मेरे कोर्स को जरूर, मतलब कोर्स से जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी जुड़वाइए एंड सब्सक्राइब करिए। मैं फ्री गिव अवेज भी करूँगा, मैं आपके घर आपको फ्री में कलर्स डिलीवर कराऊंगा अगर आप मेरे कहने पर चलेंगे तो। और करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की होने वाली है। तो ये थी मेरी ऑयल पेस्टल कोर्स की, मतलब कोर्स सीरीज की फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस सीरीज के अंदर सारी वीडियोस कंटिन्यू होगी, जिसमें मैं आपको दूंगा ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडिंग कैसे करनी है, ऑयल पेस्टल की टेक्निक्स क्या होती हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से कलर्स होते हैं, कौन से पेपर पे किस तरीके से कलर किए जाते हैं, कैसे सीनरीज बनाई जाती है या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है। तो ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सीरीज में कम से कम 30 या 40 वीडियोस आएंगी रेगुलर के हिसाब से, ठीक है। तो अब असली जादू करेगा क्रिएटिव स्कूजो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकंड वीडियो में। सो बाय, टेक केयर।